वालेकुम। पिछली वीडियो में पार्ट 32 पर कुछ सुन्नतें रह गई थी, जिसमें से एक सुन्नत यह है, मुर्दे को जब लिटाएं कब्र में तो करवट देकर लिटाएं, किबले की तरफ रुख हो जाए, किबले की तरफ सीना और मुंह हो जाए, चेहरा हो जाए, और पीछे कमर पीठ कब्र की दीवार से लग जाए, इस तरीके से लिटाएं, ये सुन्नत है। खाली सीधा लिटा देना कब्र में और फिर चेहरे को किबले की तरफ कर देना, ऐसा नहीं है, यानी सारी करवट दिलवा दे में कब्र किबले की तरफ, यह है सुन्नत। नंबर अगला एक सुन्नत यह है, मैयत की मिट्टी में कोई रिश्तेदार बाहर गांवों से, बाहर शहरों से, बाहर से आए हैं, जो रिश्तेदार हैं उनके लिए खाना उस घर में तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा नबी का फरमान है, जिस घर में मौत हो जाए 3 दिन का सोग है उस घर में, बल्कि उस घर वालों को, बस्ती वालों की ज़िम्मेदारी है, दूसरे गांव वालों की ज़िम्मेदारी है कि उनको खाना खिलाया जाए 3 दिन तक, उनके चूल्हा ना सिलगने दें। 3 दिन का सोग है और 4 महीना 10 दिन बीवी के लिए सोग होता है, किसी का शोहर का इंतकाल हो जाए तो। इसलिए जो जनाजे में बाहर से आए हैं मिट्टी देने के लिए, उनको खाना उस घर वाले तो नहीं खिलाएंगे, बाकी दूसरे गांव बस्ती में दूसरे को दावत बोल दे में, ये अच्छी बात है बल्कि सुन्नत है, दावत बोल देनी चाहिए, मसनून है ये खाना खिलाने रिश्तेदारों को बाहर से जो आए हैं चलकर, पता नहीं कुछ खा कर आए हैं, नहीं खा कर आए हैं, किस हाल में आए हैं, उनको खाना खिला देना सुन्नत है, और 3 दिन तक मैयत के घर वालों को भी खाना देना सुन्नत है और देना चाहिए, वरना सोग है। हाँ, 3 दिन के अलावा मैयत के घर वाले सोग ना मनाएं, फिर ये नबी के तरीके के ख़िलाफ़ है, 3 दिन तक ही सोग। हाँ, औरत 4 महीने 10 दिन की इद्दत करे, मैयत को दफन कर दे में, उसके बाद में अल्लाह से उसके लिए इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मुनकर नकीर के सवाल के जवाब में सीधा रखे, कायम रखे, और जवाब में आसानी फरमाए, हाथ उठा के नहीं, बस ऐसे ही उसके लिए कुछ पढ़ के भेज दें, इस्तिग़फ़ार करें। हाथ उठाना ये ठीक नहीं है, ये मना है। और एक ये भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने मुर्दों को बुरा भला मत कहो, उनकी तारीफ़ करो, यानी उनकी जो अच्छाइयाँ उनका ज़िक्र करो, बुराइयाँ का ज़िक्र ना करो। हर इंसान में कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हमारे नबी का फरमान है, मुर्दों का ज़िक्र खैर करो, यानी बुराइयों का ज़िक्र ना करो, ये भी सुन्नत है।